Hey guys, welcome to Factual Studies. Guys, आज के इस टॉपिक में हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्या जरूरत है हमारी इकोनॉमी में, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और गाइज, ये फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमी में एक टॉपिक है। इसी के साथ ये बाकी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। सो गाइज, जो चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा फैक्चुअल स्टडीज का यूट्यूब चैनल। और पीडीएफ मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको डेली टेस्ट मिलेंगे इस टेलीग्राम ग्रुप में, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है और इसकी जरूरत क्या है। और गाइज, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिस्कल क्या है। फिस्कल एक इकोनॉमी की टर्म है, जिसका मतलब है एक साल के अंदर जो भी चीजें होती हैं इकोनॉमी में हम उसे फिस्कल कहते हैं, मींस एक फाइनेंशियल ईयर। और इसी के साथ फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट एक फिस्कल पॉलिसी बनाती है। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसा टूल है जो गवर्नमेंट को गाइड करता है कि गवर्नमेंट मनी को कैसे स्पेंड करेगी और कैसे मनी को जनरेट करेगी अपनी इकोनॉमी को स्मूथली रन करवाने के लिए। गाइस, हर एक गवर्नमेंट हर साल एक पॉलिसी बनाती है जिसमें वो अपने साल के खर्चों को रखती है और उन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें कितना रेवेन्यू चाहिए और इसी के साथ और भी जो इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट किया जाएगा और उस रेवेन्यू को कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, उसके लिए एक पॉलिसी बनती है जिसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और हमारी इकोनॉमी को स्मूथली रन करवाने के लिए कितना रेवेन्यू चाहिए उसमें भी फिस्कल पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और गाइज, इसी के साथ फिस्कल पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है अटेनिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ओनली की गोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मतलब फिस्कल पॉलिसी का एक ही इम्पॉर्टेंट गोल होता है इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ करना, और सिर्फ फिस्कल पॉलिसी ही इकोनॉमी को मैनेज नहीं करती। इसी के साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। इंडियन फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के टैक्स लेकर अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और उस टैक्सेस को गवर्नमेंट अलग अलग कामों में इन्वेस्ट करती है। अगर किसी साल में गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस में हो जाता है, और अगर कहीं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है, मतलब खर्चा ज्यादा हो जाता है और टैक्स कम मिलता है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिफिसिट में हो जाता है। डिफिसिट मींस घाटे में हो जाता है। इसी के साथ गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी ड्रॉ कर सकती है, और गवर्नमेंट के पास एक और ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट एडिशनल मनी प्रिंट कर सकती है अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। गाइस, अब हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड है प्राइस स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है जिससे गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सके। मींस फिस्कल पॉलिसी रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है जिससे गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक गोल्स जो होते हैं उनको पूरा कर सके। इसी के साथ प्राइस स्टेबिलिटी, ये प्राइसिंग के लेवल को भी स्टेबल रखता है और कंट्रोल रखता है जिससे इन्फ्लेशन ना हो। इन्फ्लेशन का मतलब है जब ज्यादा आर्थिक मंदी आती है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मींस जब चीजों के प्राइजेस बढ़ने लगते हैं और लोगों की इनकम कम होने लगती है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और थर्ड, इसका ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने में या उसके पास पहुंचने में फिस्कल पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। और गाइज, अब है फिस्कल पॉलिसी के फोर मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिससे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन रखती है। फर्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी, सेकंड है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और इसी के साथ थर्ड है इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और फोर्थ है सरप्लस और डेट पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। गाइज, टैक्सेशन में टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू प्राइसिंग को कंट्रोल करती है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। इसका मतलब है जब गवर्नमेंट हायर टैक्सेस लगाती है तब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मींस लोग कम परचेज कर सकते हैं क्योंकि हायर टैक्सेस पड़ते हैं, और जब टैक्सेस कम होते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर हाई हो जाती है। इसी तरह से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और प्राइस को स्टेबल रखती है। अगर ज्यादा टैक्सेस लगेंगे तो डिमांड कम होगी, और टैक्सेस कम लगेंगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए टैक्सेशन पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए और इन्फ्लेशन को और प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि हायर प्राइस रख के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाते, और लो टैक्स रख के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना शुरू करते हैं। तो गाइज ये हो गया टैक्सेशन पॉलिसी। दूसरा है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी डील करता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर से। सबसे पहले आपको बता दूं एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, जो सरकार का खर्चा होता है। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जब गवर्नमेंट कुछ ऐसे एसेट्स खरीदती है जिनसे उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स खरीदे, या कोई ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनसे उन्हें बिजनेस जनरेट हो और बाद में उन्हें प्रॉफिट मिले। और इसी के साथ दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार को कोई फायदा नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं उनके इंटरनल और एक्सटर्नल लोन्स और पेंशन्स, सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरीज होती हैं वो आती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उनसे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता, वो सिंपली एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म में इनकम जनरेट करने के लिए, जिनसे उन्हें बाद में प्रॉफिट हो। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होता है जब फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट कंट्री में आती है, मीन्स FDI, FII. FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो आउटसाइड कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती है उसे FDI कहते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ FDI. जब भी FDI की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है कंट्री में आउटसाइड कंट्री के थ्रू, उसे हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक होल्डिंग में या प्राइवेट होल्डिंग में अपने शेयर्स कम करना शुरू करती है, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अब गवर्नमेंट अपने ही पब्लिक सेक्टर्स में से अपने शेयर्स कम करना शुरू कर रही है, उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है डेट एंड सरप्लस मैनेजमेंट। जब भी गवर्नमेंट कहीं से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है या टैक्सेस ज्यादा लेती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है और उसे हम कहते हैं सरप्लस। मींस उस टाइम पे गवर्नमेंट सरप्लस रेवेन्यू में होती है। और जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है और टैक्सेस इनकम कम होती है, उसे हम कहते हैं डेफिसिट। इसी के साथ जब डेफिसिट हो जाता है तो गवर्नमेंट को डेफिसिट बैलेंस करने के लिए या तो डोमेस्टिकली कहीं से बोरो करना पड़ता है और या तो फॉरेन सोर्सेज से बोरो करना पड़ता है, मींस लोन लेना पड़ता है। और एक और ऑप्शन है अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक बोरोअर्स में आते हैं जैसे सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी चीजें, और एक्सटर्नल बोरोइंग में आती है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसे बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनसे कोई भी गवर्नमेंट लोन ले सकती है। तो गाइज इसके बाद है टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा आइडिया देने जा रहा हूँ। टैक्सेस टू टाइप्स के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट इनकम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो सैलरीड पर्सन को इनकम टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल कोई भी इम्प्लॉई है उसको जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स हर साल, वो आता है इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है वैट, ऑक्ट्राई टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स। वैट होता है जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स जो सर्विसेज यूज करते हैं उन पे टैक्सेस लगते हैं। तो गाइज ये हैं डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो
इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या हम कोई सर्विस यूज करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है। इसके बाद है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों इंपॉर्टेंट टूल्स हैं गवर्नमेंट को, जो हेल्प करते हैं कंट्री की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए और कंट्री की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी डील करता है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर के डिसीजंस को लेके, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है हर साल अपने बजट में। और मॉनेटरी पॉलिसी है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है, मीन्स आरबीआई के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। बैंक रेट, बेस रेट, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट देखते हैं फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, रेवेन्यू और गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है? इंटरेस्ट रेट चेंज होना और मनी सप्लाई का कंट्रोल, ये आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा सेट की जाती है। फिस्कल पॉलिसी का कोई एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, बट मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट टारगेट होता है, जिसमें है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। फिस्कल पॉलिसी का साइड इफेक्ट पड़ता है बजट पे और बोरोइंग पे, और मॉनेटरी पॉलिसी का साइड इफेक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट पे और हाउसिंग मार्केट पे। इसी के साथ लास्ट पॉइंट है, फिस्कल पॉलिसी के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल डायमेंशन चाहिए और टैक्स रेट को चेंज करने के लिए भी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल डायमेंशन चाहिए, बट मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी एक इंडिपेंडेंटली आरबीआई के द्वारा मेंटेन की जाती है, इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी एक आरबीआई की कमेटी होती है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर और आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, और इसी के साथ 3 या 4 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। तो गाइज, ये था आज का फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम डेली टेस्ट लेते हैं। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगी, और प्लीज चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।